दोस्तों आप सभी लोग जब से कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं तो आप सबको अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती होगी, तो आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते होंगे कि कैसे रिकॉर्ड करें या कौन से सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड करें। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कैसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे कि आप आसानी से अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक तनवीर में। दोस्तों इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों आप सभी लोग अपने कंप्यूटर में जब भी वीडियोस को चलाते होंगे तो अपने कंप्यूटर में हम सबके कंप्यूटर लैपटॉप में वीडियोस देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर जरूर होगा। तो किसी बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जरूरत के ही हम लोग वीएलसी मीडिया प्लेयर जरूर यूज करते होंगे। वीएलसी मीडिया प्लेयर से आसानी से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कि कैसे हम वीएलसी के द्वारा अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके लिए चले चलते हैं अपने लैपटॉप पे और देखते हैं। वीएलसी से आप चाहते हैं कि आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो सबसे पहले हम वीएलसी को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन कैप्चर डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कैप्चर डिवाइस दिख रहा है, इस पर जाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट शो जो दरा, इस पर जाने के बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप करेंगे। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिजायर्ड फ्रेम रेट फॉर जो या फेस रहेगा हमारा यहाँ पे, इसको हम 30 रखते हैं ताकि स्लो मोशन में या इस समय कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से आपका स्लो मोशन या फास्ट मोशन हो सके। उसके बाद यहाँ पे जो प्ले वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे, इस पर आने के बाद हम कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे फिर ये पूछा डेस्टिनेशन फाइल आप कहाँ रखना चाहते हैं। हालांकि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं लेकिन हम ब्राउज कर लेते हैं। ब्राउज करने के बाद हम डेस्कटॉप पे कोई नाम दे देते हैं। फिर नाम लिखने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो गया और इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज, और मिनिमाइज भी कर देंगे तब भी ये रिकॉर्डिंग चालू रखेगा। चलिए एक बार हम रिफ्रेश भी कर लेते हैं। चलिए अब हम इसको स्टॉप करके देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।